भैया तू यहाँ हरामजादी मैं शूद्र और मेरे भाई के साथ मुझे घर से बेघर करके मेरे भाई के साथ यहाँ हरामजादी रंग रलियों मना हरामजादी आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादी गाली देगी क्या गाली दे गाली बहुत हियारा बैठे बैठे दाता ने फर तुम्हार नास हो क्या करेगी आ तुम बैठे बैठे दाता ने ईटा मार हरामजादी क्या हुआ अमृत तू अभी आया और तेरी भौजाई ने कौन से ऐसी कड़वी बात कह दिया कि तू उसके ऊपर हाथ उठा दिया भैया ये आपको कहाँ मिली भैया ये आपको कहाँ मिली भैया क्या इसको जानता है अरे भैया अरे आप याद है आपको आप बाबूजी और माँ के बारे में पूछ रहे थे हाँ मुन्ना तूने कुछ बताया नहीं अभी तक उसकी हकीकत मैं नहीं बताऊंगा भैया उसकी हकीकत ये हराम जाती बताएगी ये भाभी नहीं ये डायन है बाप रे जाऊं तक भाई महाराज नाटाई कटा कर कंगन क्या जानती है इसे कौन है ये तो कहती है मुझे कुछ नहीं पता भैया ये आपसे अपना नाम क्या बताई है अपना नाम इसने क्या बताया है आपसे ये बोली थी मुझे मेरे नाम का कोई पता नहीं पता कैसे रहेगा भैया ये बोलती थी कि मैं अपनी याददाश्त खो बैठी हूँ मैंने इसे नदी में पाया था और नदी में ये इस हालात में मिली थी कि ये पत्नी काबिल भी नहीं थी इसकी याददाश्त चली गई थी भैया लेकिन इससे पूछिए मुझे देखते ही इसकी याददाश्त कैसे वापस आई तो ये बता तेरा नाम क्या है क्या नाम है इसका इसका नाम बिंदिया है और इस हरामजादी से पूछिए बाबूजी ने क्या बिगाड़ा था इसका क्या क्या बाबूजी के साथ इसने बाबूजी को इसने गोली मारा है हरामजादी तूने बाबूजी को गोली मारा है तूने मेरे बाबूजी को गोली मारा है तो आज ये जीतें तुझे भी मौत की नींद सुला देगा भैया इसे पूछिए वो हरामजादा जमींदार नटराज की बेटी है या नहीं क्या हुआ है मैं आज तेरे सामने अगर बाबूजी को उसने गोली मारा है तो मैं आज जिसको भी मौत भैया क्या हुआ इसको ऐसे नहीं मारना है जब मार दूंगा मैं इसे नहीं भैया इसके खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा है इसीलिए तो मैं जंगल में दरबदर की ठोकर खा रहा था भैया क्या तेरे ऊपर इसके खून का इल्जाम लगा है हाँ भैया इसलिए तूने शहर और गांव छोड़ दिया हाँ। चल मुन्ना इसको लेके तेरे साथ चलता हूँ और इसके बाप के सामने तेरे टीके से खून का इल्जाम हटाऊंगा और उसी दर पे इन बाप बेटियों को मौत चल हरामजादी तू कहाँ जाती है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा हरामजादी तूने मेरे बाप को मिटाया है
तो मैं तुझे ऐसी औरत को अपने मकान में नहीं। मुझे इस शराब दादी को मारना चाहिए, नगर ये कहीं बन गई तो कयामत हो जाएगी। कबर कबर दो कबर। नहीं बचूंगा मुन्ना, और बिंदिया इसी तरह भाग के जा रही है मुन्ना। बिंदिया अरे अंग्रेज अंग्रेज क्या हो गया रे? बिंदिया 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 विशैला बोलो, विशैला तुम्हारी बहन बिंदिया जिंदा है विशैला? क्या? हाँ बिंदिया जिंदा है। हाँ आओ, और कहीं नहीं गई होगी। कहाँ? वो पिताजी के पास गई होगी। आओ विशाल, या भगवान मैं चलूं यहाँ से पिताजी के पास और वहां सारी सच्चाई बता दूंगी। यह रामदादा कुत्ता मुझे पार करना भी फेंका है। हराम चादे साले, पिताजी। अरे बिंदिया, बिंदिया बहन को विशाला, विशाला देखो बिंदिया, बिंदिया भी होश में है। आओ आओ इसको पिताजी के पास ले चलते हैं, और वहीं पे मैं इसके साबुत दिलवाऊंगा कि मैं खून किया हूं। यार पिताजी बिंदिया बिंदिया को बिंदिया 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 तू कहां थी बेटी? बेटा पिताजी इससे पूछो, कौन इसे मार के नदी में डाला था? किसने इसे मारा गोली? पूछो पूछो पिताजी। पिताजी पिताजी अमृत निर्दोष है पिताजी, अमृत तो हिमालय की तरह सच्चा और हिमालय की तरह सच्चा और अमृत की तरह पवित्र है पिताजी। निर्दोष तो वो है आपका आपका दोस्त रणजीत, मुझे नदी में मार के फेंकने वाला, मुझे नदी मार के फेंकने वाला कोई दूसरा नहीं पिताजी, वही तुम्हारा पापी दोस्त रण। पिताजी देख लिया, एक दिन मैं आपसे कहती थी ना कि जो ये सिल का सांप बाल रखे हो, एक दिन ही सांप तुम्हें डसेगा, लेकिन तुम मेरी एक भी बातें नहीं माने पिताजी। आज अपनी आंखों के सामने देख लिए रंजीत की करतूते। लेकिन अब कैसा होगा, क्या होगा बेटी? बेटी बिंदिया तो चली गई, लेकिन बेटा अमृत और विशैला, अब इसका उपाय क्या होगा? ठाकुर साहब, वो धीरे धीरे करके आपके परिवार को बर्बाद करने में लगा है, उसके लास्ट निशाना आप बनेंगे, इसलिए वो आपके पास जरूर आएगा। आप आराम कीजिएगा और हम पीछे वाले रूम में छिपे रहेंगे। हाँ बेटा, बिंदिया का कपल दबल करके तुम्हें मेरी देख रेख करना होगा। जो आप किया जाओ 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 मेरी बेटी। Hello,
जिंदगी चाहता है तो यहाँ पे ले मेरे नाम कर। रणजी एक दोस्त के साथ दगा करने वाले तुझे तुझे शर्म नहीं आई रणजी? और आ जाया हुए और पड़ा जरूर नहीं कर सकता। जो रंजीत की बात नहीं बोलता इसे रंजीत कहीं माफ नहीं करता। नहीं जाबे नहीं रंजीत नहीं। बेहया बेशरम और कल में आई नहीं जेल की ठंडी ठंडी हवा। तो क्यों धमक देता हर किसे बेशरम बहुत तो बहुत क्यों धमक देता हर किसे बेशरम बात से जानने वा ना ये हार के सहे आज अपना जान बात मत को आज दिखा तो सहे तुझसे लड़ने को हारता मैं अब ये हमारा आपस का मामला है। और तो सारा सूट यहाँ क्यों आ गए? आपस का मामला है ये तो ठाकुर साहब ही बताएंगे। हराम जादे रंजीत आज मैं सब समझ गया कि आज तक तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर मेरे ही परिवार में दगा करता रहा। आज आज भेद खुल गया आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हराम जादे। और ठाकुर साहब दिमाग खराब होगा काट चला मेरा दिमाग खराब होगा इसके कहने पर तू करेगा अपनी बेटी बाबू है और बेटा इस दुराचारी को ऐसी मत मानना कि दूसरा रंजीत इस धरती में ना पैदा हो सके ना। छोटा सा बच्चा 10 रुपया दे कहते के सारे पहले कपड़ा उतारो। कद बेरंद तोवा अब बतावे सूत्र से बेबत्तर तू हो गए। ए साला जौन ता को तो ही ता बात कर। बिसैला
विशैला तेरी कौन लगती है? बिटिया है ना। चल दामाद बोल मुझे जल्दी। रंजीत, सबसे पहले तू ये बता, आलो लड़का के दादा दस दे थे काटे के कपड़ा उतारो पहले, लड़का के दादा। हाँ दादा पाता क्या करेगा? मारूंगा, मारेगा, एक एक को काट डालूंगा। चल खड़ा हो, खड़ा हो। और तेरी देख सोला और जले तना, मजा नहीं आवती है, कपड़ा तक नहीं कि चड्ढी उतार के मार। ओ चड्ढी, इस गांव में तुम्हें रहना कि नहीं? रंजीत, सबसे पहले तू ये बता कि मेरी बहन बिंदिया का खून किसने किया है? अच्छा, मार कर नदी में उसे किसने डाला था? बोल। बिंदिया का? हाँ, बिंदिया का खून जिसने किया उसने किया। किसने किया? उसने। बोल कहा है? बोल बोल। ए किसको मार डालेगा? किसको मार डालेगा? मसाले तुझे रंजीत, अगर तू बता देगा कि बिल्लिया को किसने मारकर नदी में डाला था तो तुझे छोड़ दिया जाएगा। अगर बता दूंगा तो मुझे छोड़ दोगे? हाँ। बिंदिया का खून भाई बच्चा हो हराम जाते कुत्ते, बिंदिया को मार के नदी में तूने डाला और उसके खून का इल्जाम मेरे अमृत पे लगाया, कुत्ते हराम। हेलो लड़का के दादा 11 रुपया दे थे काते मसले मारो सारे का जूता से। ए रणजी, एक कपड़ा उतार उतार से। इसको भी लेगा? हाँ उसे भी उतार। अरे अपन ना सारा सोच जैसा वो समाग रहा है। यागे कार्तिक छोटा बच्चा, कार्तिक और सोनू, और ये तीन हैं, तीनों मिलके ये पैसा दिया है 30 रुपया। और कह रहे कि पैंट उतराओ, बनियान उतराओ, पानी लाओ और डाक एक मारो। हेलो लड़का की मौसी आ गई, उनका कहना है इनका मजा नहीं आती है, तनका रौनक नहीं है। आधा किलो तेल लाओ, तेल लगा के मारो सारे। ए विशैला, विशैला क्या देख? सारी बातें छोड़, जो हुआ सो हुआ। अच्छा इसे भूल जा। भूल जाऊं? तय सब कुछ ले ले, धन ले ले, दौलत ले ले, सब कुछ ले ले। हराम जादे मुझे मारकर कैद कर लिया, आ हराम जादे, और मेरी बहन बिंदिया का खून करके, आ तू अच्छा किया तुझे। कह रहा धन ले ले, साला दो कौड़ी का नौकर, साला चमचा
तेरे बाप कहेगा। और जिसका मुझे अर्थाई इंतजार, जिसके लिए दे खाबे करार, ओ घड़िया घड़िया गई है प्यार में हद से। ये 21 रुपया दे थे, कहा थे आओ कायदे से लहा के मारो। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ दोस्तों, इसी जगह से इस पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ दोस्तों, ये पार्टी से उदासपुर धाता भैतपुर बल्ला से चलती है। जो भी सज्जन इस पार्टी का नंबर लेना चाहते हैं, कार्ड लेना चाहते हैं, तो ये सामने हमारे श्रीमान राम सुमेर शुक्ला जी कंपनी मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे कार्ड ले सकते हैं। अगर कार्ड आपको नहीं मिलता तो दोस्तों जैसे कि विनायक म्यूजिक और साथ में मुकेश कैसेट फतेहपुर,
और साथ में अगर नौटंकी का नोटिफिकेशन देखना है आज कहाँ है कल कहाँ है तो सुनील जोकर 73 इनके माध्यम से आप तमाशा देख सकते हैं और नंबर भी यूट्यूब में पा सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी शुभ अवसर पर आपको ये पार्टी की बुकिंग करना है तो आप कर सकते हैं। इतने ही कलाकार द्वारा अच्छे प्रोग्राम के साथ आपके घर में अच्छे टाइम से अपने हम लोग पहुंचेंगे और अच्छा कार्यक्रम देंगे। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। दोस्तों अगर हमारी पार्टी का प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद। यारो मेरा तमाशा पूरा खत्म हुआ है, 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 यारो मेरा तमाशा पूरा खत्म हुआ है। सरस्वती मैया की जय, भैया बाबा की जय, राजा रामचंद्र की जय।